तो ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबू विद आशीष। तो दोस्तों, आप आज गेस कर सकते हैं हम कहाँ पे आए हैं। हालांकि हम हैं प्रयागराज में ही। गेस कर पाए नहीं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से इंटर करते हैं एक खुसरो बाग। गेट खुलने का समय आप देख लीजिएगा पॉज करके। अब चलते हैं अंदर। यहाँ की कलाकृति एकदम मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम खुसरो बाग का मैप देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको समझाते हैं। क्रांतिकारियों का 10 दिन का मुख्यालय बना था ये, और आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत टाइम जाएगा पढ़ने में, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और आप आगे इसका जो है खुसरो बाग का मैप देख सकते हैं, एक कहाँ क्या क्या है। हालांकि मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसे अच्छे से देख लेंगे अगर ज़रूरत हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो हम घूम कर दिखाएँगे ही सब कुछ। तरफ से लगभग 15 से 16 फीट ऊंचाई के जो बाउंड्री हैं, इस बाउंड्री से घिरा हुआ है ये खुसरो बाग। और यह खुसरो बाग स्टेशन प्रयागराज जंक्शन के बगल में ही है, उसके पीछे है। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 150 मीटर पड़ता है। तो यहाँ का यह कुछ नज़ारा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ क्या है, रास्ता गया हुआ है। एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ रास्ता है। और चारों तरफ रास्ता के पास में ये वाला बेंच जो है लगा हुआ है, ये बेंच जो आप देख रहे हैं चारों तरफ लगा हुआ है। और इस पे लोग देखेंगे, कोई कहीं पे लेटे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं। हालांकि ये बाग जो है बना क्यों था, यहाँ पे इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले यहाँ की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर कहानी की जानने की इच्छा हो कि क्यों ये बना और कैसे ये बना और क्यों खुसरो के नाम से ही इसको जानते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों और आपको यहाँ की और सारी सीन। ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक के दोनों तरफ बैठने की सुविधा है, प्लस डस्टबिन भी रखा गया है। जो भी लोग खाने की सामान यूज कर रहे हैं, जो बच्चा खुचा है या फिर जो अपशिष्ट चीज़ें हैं उसे वो लोग यहाँ पे फेंक सकते हैं। इसके अलावा इतना आम का बगीचा है, वहाँ पे लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, इस मकबरे की अधिकतम जानकारी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो शिला पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इधर जो रोड जाता है यहाँ पे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पाली ग्रीन राजकीय पौधशाला खुसरो बाग इलाहाबाद करके यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर पौधों की जो है देखभाल किया जाता है, जो है पौधे की बिक्री भी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेट और कब से कब ये खुला रहता है, तो जब भी आपको लेना हो तो उस टाइम पर करके देख सकते हैं किस चीज़ का कितना दाम है। और ये है टाइम, जिस टाइम पर ये खुला रहता है।
आपको दिखाते हैं कि पौधों को किस तरह से यहाँ पर रखते हैं। तरीके से सुरक्षित कीटों से बचा करके रखा जाता है, तो जब भी आपको लेना हो तो आप यहां से पौधे आकर के ले सकते हैं, स्वस्थ और अच्छा पौधा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, जिस जगह पे हम अभी स्थित हैं, ये जो पौधाशाला है, यहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर सांस लेने में बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप जब भी खुसरो बाग आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। शौचालय मिला है, अगर आप भी कभी आइए शौचालय की ज़रूरत पड़े तो एकदम लास्ट में पीछे आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शौचालय। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जो बगीचे हैं पेड़ के नीचे, मैं पहले ही बोला था कि कुछ लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टूडेंट, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उन लोगों को पढ़ते हुए। एकदम कर्मठ है स्टूडेंट है, हमारी तरह नहीं। देखिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं कुछ स्टूडेंट, और यहाँ से चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर टिकट भी नहीं लगता, और आप भी अगर घूमना चाहें तो आ सकते हैं, और अपने साथी के साथ आना चाहें तो पर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, अच्छा जगह है, थोड़ा सा घूमें आपको अच्छा लगेगा। हमेशा रूम में बैठे रहना तो अच्छी बात है। यहाँ पर आम के बगीचे के अलावा आपको अमरूद के बगीचे भी देखने को मिलेंगे, जो पीछे है अमरूद का बगीचा ही है, और आप आगे भी है अमरूद का बगीचा, ये जो आप देख रहे हैं अमरूद तोड़ के रखे हैं। चलते हैं, हम लोग मांगते हैं, हो सकता है कि एक दो खाने को मिल जाए। इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर दो पोटली रखा गया है, और आगे देखिए यहाँ पर एक है, और यहाँ पे बड़े बड़े अमरूद। चाचा जी ने एक अमरूद दे दिया है और हम लोग खाते हुए चल रहे हैं बाहर। ये देखिए यहाँ पर इतना अमरूद, बहुत मीठा है। ये देखिए मज़ा आ गया। तो फ्रेंड, ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, एक खुसरो का मकबरा है, जो कि जहांगीर और शाह बेगम का बेटा था। दूसरा मकबरा है, और ये खुसरो की बहन निसार बेगम का है, जो कि इसके जस्ट बगल में ही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में एक फाउंटेन है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जाने के बाद। ये यहाँ का फाउंटेन था जो कि बंद पड़ा है, आप देख सकते हैं। बेगम का मकबरा है, जो कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते इस मकबरे में। ऐसा नहीं है निसार बेगम को दफनाया गया है, ये सब नहीं है, ये खाली है, सिर्फ उनके नाम से पड़ा हुआ है। इसके सामने इस तरह से पेड़ों को लगाया गया है, पेड़ों में इसे पौधा बोल सकते हैं, पौधों को लगाया गया है, इसकी कटाई छटाई बराबर होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, और आगे चल के आपको और दो मकबरे दिखाते हैं जो यहाँ पर बाकी रह गए हैं, उन्हें भी आपको दिखाते हैं। मकबरा है ये शाह बेगम का मकबरा है, और शाह बेगम का नाम पहले मानबाई था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, और बाद में जब खुसरो का जन्म हुआ उसके बाद जहांगीर ने उन्हें शाह बेगम का उपाधि प्रदान किया, तो उस समय से उनको शाह बेगम बोला जाने लगा। और ये जो मकबरा है ये शाह बेगम का मकबरा है। अब चलते हैं आगे, और बच्ची एक और मकबरा उसे दिखाने की कोशिश कर। चारों तरफ जो है छोटे छोटे घास के ग्राउंड और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही भव्य लगते हैं। ये शाह बेगम का मकबरा है, जो कि मैं पहले ही बता दिया है, तो इसके आगे चलते हैं और बाकी का बचा एक मकबरा को दिखाने की। चारों मकबरे हैं, चारों मकबरों में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो है कलाकृत निसार बेगम के मकबरे में किया। तो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं बीबी तमोलन के मकबरे के पास, जो कि आप देख रहे हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है जो भी है, लेकिन
उन तीनों मकबरे से इसको अलग करके बनवाया गया है। क्या रीज़न है इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये चारों तरफ है जो ये पेड़ लगे हुए हैं, किस चीज़ का पेड़ है ये भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें ज़रूर बताएं। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के, कभी आपको भी आना हो तो आइए और यहाँ पर खूब मज़े कीजिए। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगभग आधे दर्जन तो आपको मिल ही जाएंगे जो रील क्रिएटर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूबर हों, कहीं किसी न किसी तरीके से, जैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, तो आपको लगभग एक दर्जन के लगभग लोग मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है बगीचा, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं बनाने। यहाँ पे आया हूँ, इसके पहले मैं यहाँ पर नहीं आया था और न ही मैं जानता था ये कहाँ पर है। हालांकि मैं आपको बता दिया हूँ ये कहाँ पर है, टिकट उकट नहीं लगता ये भी बता दिया हूँ। तो चलते हैं, हम थोड़ा और घूम लेते हैं। और आप देखेंगे जो कि जो प्रयाग जंक्शन है उस साइड, यानी मकबरे के एक साइड, उधर आम का बगीचा है। और उसके जस्ट पीछे आप आएंगे मकबरे के पीछे, यहाँ पर अमरूद का बगीचा है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यह जो बाग है सिर्फ आम और अमरूदों का बाग है। हालांकि और सब पेड़ हैं, लेकिन वो बाग के रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक दो या चार पाँच है। और जो अमरूद और आम के पेड़ हैं ये सैकड़ों के संख्या में हैं, तो इन्हें हम बाग कह सकते हैं आई थिंक। तो चलते हैं दोस्तों अब सामने की तरफ और वहीं से निकलते हैं घर के लिए।